हेलो गाइस, वेलकम टू द मैच चैनल। आ चुका हूँ डीमन एक्स एंजल कांट गेट अलोंग के एपिसोड नंबर 7 के साथ। तो गाइस, अब तक आप लोगों ने देखा था कि जो सनशाइन और जो जिया है उसको स्कूल जाते हैं, बट सनशाइन जो है खो जाती है। तो गाइस, यहाँ से जो है अगले दिन का जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से हमारा एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले दिखाया जाता है रिंग। तो तभी रिंग पहने हुए होती है जिया का, हाथ दिखाया जाता है इसमें रिंग होती है और थ्री डायमंड्स में लगे होते हैं। तभी एक कॉल आता है रिंग की तरफ से। बस रिंग बजती है, उतना सुनने के बाद तो जिया और सनशाइन उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या आने वाला है। और बोलते हैं अब आया, किस तरह की कमांड आने वाली है, मतलब जो टास्क है किस तरीके का टास्क आने वाला। तभी जो दोनों की रिंग है बजती है और बोलती है टास्क के लिए, और टास्क बताती है, और टास्क दोनों का ये है कि कृपया करके ये परफॉर्म करें और इस ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें, और वो भी इन 3 पार्ट्स को यूज़ करके, और अपना बेस्ट दें, ऑल द बेस्ट। ये कहने के बाद डिस्पेयर हो जाता है वो। बस ये दोनों जैसे ये सुनते हैं उसके बाद तो दोनों की होश उड़ जाते हैं और इनकी शक्ल देखने लायक होती है। एकदम डरावने से लोग दिखाने लगते हैं कि अभी इनकी आत्मा इनके शरीर से निकल गई हो, और दोनों के दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जैसे कि हम ये करने वाले हैं। और जो एंजल होती है, मतलब जो जिसने सर्टिफिकेट मतलब शादी कराई थी इन दोनों की, उन एंजल को दोनों के दोनों फोन लगा के बोलते हैं ये क्या बकवास है, जैसे कि हम ये करने वाले हैं। और तभी फ़ोन में आते जो एंजल है वो बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हें एक बात तो एक्सप्लेन करना ही भूल गई थी कि तुम अपनी रिंग की तरफ देखो, उस रिंग में तुम्हारे में एक पॉइंटर होगा, उस पॉइंटर से तुम जो तुम्हारे जो टास्क है उसकी डिफ़िकल्टी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, और तुम एस ए बी और सी में से कुछ भी पिक कर सकते हो। और बोलती है जो तुम्हारा जो रिंग का जो पॉइंटर है उसे सी पर सेट करो, जो यहाँ पर ग्रीन जेम है, और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए सही होगा, ये बहुत ज़्यादा जल्दी होगा अगर तुम एस को सेलेक्ट करते हो। और तभी जो है जिया जो है जो उसका पॉइंटर है उसको ग्रीन जेम पे सी पे सेट कर देता है, और तभी जो रिंग है वो बजने लगती है, और रिंग बजते हुए बोलती है कि टास्क हैज़ बीन चेंज। तो जो नया टास्क है, जो रिंग है जो नया टास्क देती है वो बोलती है कि जो तुम दोनों के हाथ है उन दोनों के हाथ को पकड़ो 5 मिनट के लिए। और जो सनशाइन है जैसे ये सुनती है कि टास्क चेंज हो चुका है, और जो एंजल होती है वो ये सब सुन रही होती है। तभी फ़ोन में से वो बोलती है कि तुम दोनों कर सकते हो, और ये बोलती है कि यदि तुमने जल्दी से जल्दी स्टार्ट नहीं किया तो जो टास्क है वो फेल बता दिया जाएगा, और जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम है तुम्हारी अंगूठी रिंग में वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। और ये सुनने के बाद जो एंजल वो सनशाइन और जो जिया है वो बोलते हैं कि ये किस तरीके का फंक्शन है, क्या मजाक बना रखा है, ये किसने बना और ये फंक्शन किस बेवकूफ़ ने बनाया है। तो तभी सबसे पहले अगले सीन में दिखाया जाता है कि सनशाइन है वो जिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, और बोलती है कि जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो और हाथ पकड़ो, ये तो बस हाथ पकड़ना है और कुछ नहीं, हमें ऐसा वैसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं तुम नर्वस तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की का हाथ पकड़ते हुए तुम शर्म आ रही हो तुमको। और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने इनोसेंट हो, और बढ़िया आवाज़ में बोलती है हाउ सो क्यूट। और तभी जो जिया है वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है ये सब बोलने का तरीका तुमने कहाँ से सीखा, और बोलता है तुम अपने आप को तैयार कर लो फिर, और बोलता है कि तुम बाद में पछताना मत कि तुमने हाथ पकड़ना पड़ा, गुस्से में अपना दांत पीसते हुए बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिया और सनशाइन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। तभी जो सनशाइन है वो जिया से बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा सूफ करने की ज़रूरत नहीं है, और तभी जिया है कि तुम्हें भी ज़्यादा सूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में वगैरह दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों अपना जो है हैंड पकड़े हुए होते हैं, और जो है हैंड पकड़ने के बाद तो जिया है वो मन ही मन में सोच रहा होता है और बोलता है कि क्या मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता कि मैं इससे डरूं, आखिरकार मैं एक मर्द का बच्चा जो हूँ और मैं इससे हार नहीं सकता। और तभी जो सनशाइन है बोलती है कि तुम सच में मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, मतलब जो जिया होती है वो सनशाइन से बोलता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हो है डेविल, पर इस रिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके कारण तुम्हें ये करना पड़ रहा है, और बोलता है कि तुम इस समय बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रही हो। सही कहा ना, हाथों को पकड़ना किसी ऐसे के साथ जिससे तुम पसंद नहीं कर रही हो, जिससे तुम नफरत करती हो, यदि तुम शांत अपने आप को शांत दिखाती हो अंदर से तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि तुम मरने वाली हो, है ना
यही सब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहे होंगे ना। तभी जो जिया है बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर से और उससे सनशाइन से चिल्लाते बोलता है, यही 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 तो है जो मुझे देखना था। ये चीज तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी तुम इसके विरुद्ध नहीं जा सकती हो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और ये फीलिंग, गुस्से वाली फीलिंग मेरे लिए तुम्हारी, ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती सनशाइन, वो उसको परेशान होते हुए देखते हुए जो है जिया बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन गाइस हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सनशाइन को, तो गाइस वहां पर तो अलग ही सीन चल रहा होता है। जब वो ये जब जिया अपने ही दुनिया में खोया हुआ था और सीधी चीजें सोच रहा होता है कि ये हो जाए, लेकिन जब दूसरी तरफ सनशाइन की तरफ दिखाया जाता है, सनशाइन बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही होती है। उसके हाथों में जो मोबाइल होता है उसको अपनी मुंह की तरफ रखती है और एकदम कोशिश करती है अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए। और तभी दोनों को दिखाया जाता है, तभी जो जिया है जैसी उसकी तरफ देखता है तो वो भी एकदम से देखने के बाद एकदम से शांत हो जाता है, सारे के सारे ख्याल उसके उड़ जाते हैं और वो सामने देखने लगता है और सोचता है कि ये तो नॉर्मल है, काम डाउन। वो अपने मन को शांत करता है, ये नॉर्मल है, मतलब उसका अजीब लुक बन जाता है और बोलता है अगर सोचा जाए तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी लड़की का हाथ पकड़ा हो मैंने, और मुझे नहीं पता था कि किसी लड़की का हाथ इतना सॉफ्ट होता है। और तभी इतना सोचने के बाद वो अपने मुंह पर एक पंच मारता है और अपने आप को होश में लाता है और बोलता है सॉफ्ट अजी घंटा, बोलता है मेरा जो दिल की जो धड़कन है वो इतनी तेजी से क्यों धड़क रही है, और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है ये क्या, ये किस तरह की रिएक्शन थी जो मैंने अभी दी। कुछ समय पहले तो हम लोग मतलब मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, मतलब तैयार नहीं था, और अपने आप को शांत करता है, बोलता है काम डाउन और बोलता है ये तो बस एक एंजल है, शांत हो जाओ, भला मैं कैसे ये सब सोच तो रहा हूँ। और दूसरा बोलता है अगर मैं इसे पास से देखूं तो ये लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है, ये मन में सोच रहा होता है जिया सनशाइन की तरफ देखते हुए। बोलता है कि इसकी बड़ी बड़ी आंखें, और इसकी जो आंखें हैं वो चमक रही हैं, चमकती हुई आंखें, इसकी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें। समय जितना गुजरता जा रहा है उतने ही ज्यादा बहुत ज्यादा वो क्यूट लगती जा रही है, बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है। तो उसकी जो चमकती हुई आंखें, उसके बारे में जो रिएक्शन है वो अपने दिमाग में सोचने लगता है, ख्याल होश रखता है, इसकी आंखें कितनी ज्यादा सुंदर दिख रही है। और ये जैसे ये सब सोचता है अपने आप को होश में लाने के लिए, पृथ्वी भाई एकदम से शॉक हो जाता है कि ये सब इसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं, आखिर ये सोच क्या रहा है। तभी रिंग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि आप लोगों का टास्क कंप्लीट हो चुका है, और जो रिंग वो बोलते कि अब एडिशनल टास्क है उसको कंप्लीट करो, तुमको जो तुम्हारा जो हैंड है उनको इंटरलॉक तरीके से पकड़ना होगा एक मिनट के लिए। इंटरलॉक तरीके से मतलब जो हाथों की उंगलियां एक दूसरे के हाथों के बीच में फंसा कर अपने हाथों को पकड़ना। और ये सुनने के बाद तो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं क्या। और ये सुनने के बाद जो सनशाइन है वो जिया से बोलती है तुम तो ऑलरेडी डरने लगे इस लेवल, अभी इस लेवल के बाद तो। और तभी जो जिया है वो चिल्लाते बोलता है कि अपने आप को ज्यादा शो ऑफ मत करो, तुम हो जो बहुत ज्यादा डरी हुई हो। और तभी वो अपने दोनों हाथ इंटरलॉक तरीके से पकड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं और दोनों हाथ पकड़ने लगते हैं, और पकड़ने के बाद जो उनका टास्क है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोनों हाथ पकड़ने के बाद बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं और एक दूसरे से उल्ट अपोजिट तरफ देखने लगते हैं और खींचने की कोशिश करने लगते हैं। और जो सनशाइन है वो बहुत ज्यादा उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है, और ऐसा करते करते उन्हें एक मिनट हो जाती है और जो रिंग का जो नोटिफिकेशन है वो बजता है कि तुम्हारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, बधाई हो तुम दोनों को, और बोलती है कि अब तुम दोनों अपना हाथ हटा सकते हो। तभी जो सनशाइन की तरफ सीन जाता है, सनशाइन बोलती है आखिरकार ये सब बकवास चीजें खत्म हुई, और सनशाइन जिया से बोलती है ये सब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत ही इजी था। लेकिन अंदर से सोच रही होती है अजी घंटा इजी, अंदर से तुम तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे तुम अपने आप को मार ही लोगे। लेकिन तभी दूसरी तरफ उंगली करते बोलते हैं कि तुम थे जो बहुत ज्यादा नर्वस थे, जो तुम्हारा हाथ है वो पूरा का पूरा भीग चुका था पसीने के मारे, तुम इतने ज्यादा डरे हुए थे पूरे के पूरे समय, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग था, बहुत ज्यादा गंदा था, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था, और तो और तुम तो मेरी तरफ घूरे जा रहे थे, तुम थरकी वर्जिन डीमन। और तभी जो ये जैसी ये सनशाइन जिया से बोलती है तो जिया को दिल पे लगती है ये बात, और वो और जिया है जो जोर से बोलता है वर्जिन किसको बोला बे, और तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो बस रोने ही वाली थी, तुम अपने आप को बस ब्रेव दिखाने की कोशिश कर रही हो, बहादुर दिखाने की कोशिश कर रही हो। और जो सनशाइन बोलती है नहीं नहीं नहीं, और करते बोलती है ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग था, भला मुझे ये सब करने की क्यों जरूरत है।
और बोलती है कि जो मेरे हाथ है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। और जो है दोनों के दोनों लड़ रहे होते हैं और उनका मोबाइल चालू होता है और दोनों के दोनों बोलते हैं क्या तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है अभी। और तभी अगली सीन में दिखाया जाता है जो एंजल है जिसने उसकी शादी कराई थी वो आराम से अपने सीट पर बैठी हुई होती है और कॉफ़ी पी रही होती है और उसके फ़ोन से उनकी बातें जो है सुन रही होती है और बढ़िया हंसते हंसते इस कॉमेडी का मज़ा उठा रही होती है। ये सीन बहुत ज़्यादा फनी है और बोलती है हाउ लवली, कितने ज़्यादा लवी डवी है दोनों के दोनों। उसको कहा यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड नंबर 7 अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा जिससे जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे और हमारी वीडियो आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।